वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। खालिद साहब जो है वो शहादत की आरजू जो है वो रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पे जो है वो फायज किया। शहीद जो है कुरान पाक में है कि उन्हें मुर्दा ना कहो ना समझो, वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का तुम लोग जो है वो शऊर नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज का जो किरदार है वो जंग हो, मुल्क की हिफाजत हो या कुदरती आफात सानेहात हों, पाक फ़ौज का किरदार जो है वो हमेशा बड़ा आला रहा है। और यही वजह है कि पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ और अपने शुहदा के साथ जो है वो दिली मोहब्बत और प्यार करती है। और शुहदा की जो फैमिलीज़ हैं उन्हें हमेशा इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो देखती है। मैंने भी आज फैसल साहब से ये कहा है कि कोई भी खिदमत सर्विस अगर हमारे हिस्से में आए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ना सिर्फ वो एक एजाज़ होगा बल्कि हमारे लिए वह जो वो निजात का जो है वो बायस होगा। अगर आपकी फैमिली के लिए जो है वो हम किसी किस्म की कोई खिदमत जो है वो सर अंजाम जो है वो दे सकें या आपके जो है वो काम आ सके। मैं तमाम शुहदा जिन्होंने आज तक जो है वो इस वतन की हिफाजत के लिए या कौम की मुश्किल में वो दहशतगर्दी हो, वो कौमी आफात हों, सानेहात हों, कुदरती आफात हों, उसमें जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी कौम का अपने मुल्क का जो है वो नाम ऊंचा किया है, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, मैं सबको सलाम भी पेश करता हूं। और ख़ास तौर पे हालिया जो साना ये हेलीकॉप्टर हुआ है लसबेला में, इसमें जो हमारे अफसरों ने हमारे जवानों ने जो है वो शहादत का जाम नोश किया है, मैं उनके दर्जात के लिए भी और उन्हें सलाम पेश करता हूँ। पूरी कौम जो है उन्हें सलाम पेश करती है और पूरी कौम दुआगो है कि हमारे ये शहदा हमारे ये गाजी जो हैं इसी तरह से इस मुल्क और कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करते रहें। सर सोशल मीडिया पे जो शहदा के हवाले से एक मनफी प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं इदारों के लिए ऐसे ट्रेंड्स चलाना इदारों को मुतनाज़ बनाने के बराबर नहीं? देखिए, एक तो मैं ये बात मैं वाजे करता चलूं कि मासवाए इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के पूरी 22 करोड़ कौम में से कोई एक आदमी जो है वो आप नहीं निकाल सकते जो पाक फ़ौज से प्यार ना करता, जो पाक फ़ौज के किरदार जो है उसको ना सराहता। मैं समझता हूँ कि ये लोग जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए ये लोग गुमराही का शिकार हैं। और मैं ये बात इससे पहले भी मुतद्दद बार ये करता रहा हूँ कि ये शख्स जो पीटीआई का सरबराह है ये कौम को तकसीम कर रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है, कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इसकी शनाख्त की जाए, इसका इदराक किया जाए। अगर कौम ने इसका इदराक न किया और अपनी सिमत को दुरुस्त ना किया और इसे मौका मिला मज़ीद कौम को तकसीम करने और कौम को गुमराह करने का, नौजवानों को गुमराह करने का, ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा।
मैं समझता हूँ कि ये इन शहदा की कुर्बानियों का जो है ये एक आप सिला कह लें कि एक ऐसी सूरत पैदा हुई है कि जिसमें निशानदेही हो गई है कि ये हैं वो लोग जो जो घबराही का शिकार हैं और ये है वो पार्टी और शख्स जो इन लोगों को जो है वो गुमराह करने का जो है वो जिम्मेदार है। बाकी जो वो ट्रेंड चलाया गया या जिसकी मैं समझता हूँ अब तो उसका कला कुमा हो चुका है, बाकी सारी कौम और हर फर्द जो है वो उसने जो है वो इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। तो ये जो भी जो है ये चला है ये कत्तन कत्तन कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है जिसके जो है वो ऐसे ख्यालात हों। और आप ये देखें इनकी गुमराही की गहराई देखें, जो जो ये फॉरेन एजेंट के तौर पे इलेक्शन कमीशन के फैसले पे जो इनकी निशानदेही हुई है उसके अलावा आप ये इनका अपना हाल देखें कि अफ़गानिस्तान जहाँ पे वो ड्रोन हमला हुआ है और एडमिरल ज़हरी जो है वो हलाक हुआ है, अफ़गानिस्तान ने आज तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि ये वहाँ से जो है वो ड्रोन चला है या चलाया गया है या कुछ स्पेस जो है वो दी गई है। ये बदबخت जो है ये इल्ज़ाम भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये गुमराही है, इस गुमराही के ऊपर जो है वो हमें पूरी कौम को मैं समझता हूँ कभी इसके बाद कोई शक शुबा नहीं रहा। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है और ये फॉरेन एजेंडे पे और फॉरेन जो है वो पैसे पे जो है इस मुल्क में अफरा तफरी और हरारकी जो है फैलाने के एजेंडे पे गामजन है। और इस जो ये ट्रेंड इन्होंने जो है चलाया उससे भी जो है वो इनकी मुल्क दुश्मनी और जो है वो पाक फौज के साथ, क्योंकि देखें किसी वक्त में इनको सपोर्ट मिलती रही है इन चीज़ों से इन फैमिली से, लेकिन ये देखें कि ये गुमराही में इस हद तक जो है वो गुजर गए कि इन्होंने वो बातें की कि जिनको मैं समझता हूँ कि दोहराया नहीं जा सकता और जिनको जो है वो ज़ुबान पे नहीं लाया जा सकता, जिनकी सिर्फ मजम्मत ही जा वो की जा सकती है। फौज चौधरी कह रहे हैं कि आप सिर्फ फैसला अपने इस्लामाबाद के बिलों के वजीर दाखिला है और फैसलाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, आप फैसलाबाद में कैसे आ गए? मामला ये है कि फौज चौधरी साहब जो हैं वो एक बात वो मेरे हक में कर बैठे थे, उसके बाद उनकी जितनी छतरौल हुई है ना PTI में उस छतरौल के जवाब में अब वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात रोज़ करके तो अपने आप को बैलेंस करते हैं। मामला ये है कि वफाक के पास एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका बजट जो है वो एक सूबा नहीं दो सूबों को मिलाने तो उससे ज़्यादा है, और नादरा की वापडा की दूसरे इदारों की रीच जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा जो है वो जगह हो सकती जहाँ पे उनकी रीच नहीं है। देखें ये वफाक और सूबाई हुकूमतें ये जो है ये एक निज़ाम का हिस्सा है, आइनी रोल है सबका, कानूनी रोल है। हमने सूबों के रोल को जो है वो बिल्कुल उसे जो है वो हम तस्लीम करते हैं। उन्हें भी चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू करने की बजाय जो है वो ढंग का जो है वो काम करें। अब उन्होंने कहा है कि जी हम 13 को जो है वो जलसा करेंगे, उसके बाद एक महीने का अल्टीमेटम देंगे। वो भाई किस बात का अल्टीमेटम दे रहे हो कि इलेक्शन कराओ? वो पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर को तो जो है वो हटा लो। यानी तुम्हारी ये समझ नहीं आती कि तुम एक दिन एक बात करते हो उसके बाद दूसरे तीसरे दिन और बात शुरू कर देते हो। आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले इमरान खान ने पूरी कौम के सामने मीडिया पे आके कहा कि इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
वो आप किस बात का मुतालबा कर रहे हो कि जी एक महीने बाद इलेक्शन करा दो, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाओ ना, और उसके ख़िलाफ़ जो तुमने एप्लीकेशन दी थी वो जो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आपने दरख्वास्त दी वो तो अगले दिन आपने वापस ले लिया। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा लें तो उसके बाद फिर आए बात करें, फिर उसके बाद असम्बलियाँ दोनों तोड़ें, पंजाब असम्बली तोड़ें, KPK असम्बली तोड़ें, जो इस्तीफे दिए हैं वो एक्सेप्ट करवाएँ, उसके बाद फिर अल्टीमेटम दें। वरना इस तरह का अल्टीमेटम जो है ये आपकी दो नंबरी है, ये दो नंबर अल्टीमेटम जो है इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि ये आपके लिए बायस शर्म होना चाहिए कि आप एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी करते हैं, तीसरे दिन तीसरी करती हैं। आपने अगर अल्टीमेटम कोई इस किस्म का देना है जिस किस्म का 25 मई को था, तो आप ज़ेहन नशीन रखें कि पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाज़त है, मुल्क का आईन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया, तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा, और उस मकसद के लिए हमारी पूरी तैयारी है। नाना साहब, अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने आज कहा है कि 14 अगस्त से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं देखे, मैं वो शहजाद अकबर वाला काम तो मैं नहीं कर सकता कि मैं पहले खबरें दूँ कि जी फलां को गिरफ़्तार किया जाएगा, फलां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। FIA इस वक्त दो इंक्वायरीज कर रहा है। एक इंक्वायरी जो ये आपने अभी निशानदेही की है जिस बात की कि वो जो इन्होंने इस जो है वो लसबेला के खाने के बाद जो ट्रेंड चलाए इन्होंने और मुल्क दूसरी पे मबनी जो है वो बातें की हैं, एक उसके ऊपर जो है वो FIA इंक्वायरी कर रहा है। उस इंक्वायरी टीम में जो पहले FIA के ऑफिसर पे थी, उसमें हमने जो है वो जो हमारी एजेंसीज हैं सिविल और अस्करी, उनको भी जो है उसमें शामिल किया है, और वो आज नोटिफाई किया है उनको। एक इंक्वायरी वो हो रही है, और एक इंक्वायरी जो है वो ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिपोर्ट है, फैसला है, उसके ऊपर जो है वो हो रही है। उन इंक्वायरीज़ के नतीजे में जिसके खिलाफ जो जुर्म साबित होगा उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, और जो उसमें मुल्ज़म करार दिया जाएगा उसको जो है वो गिरफ्तार भी किया। लास्ट क्वेश्चन जी, TLP की जनरल से बयान आया है कि उन्होंने कहा कि राणा साहब ने परेड ग्राउंड में PTI को जल्दी की इजाज़त दे दी है, हम एक साल से इजाज़त मांग रहे हैं, अब वो फैजाबाद में धरना देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत से आए हैं कि हमें इजाज़त नहीं देनी। नहीं देखे, TLP के मतलब मुझे मालूम ये पड़ा है कि वो फैज़ाबाद चौक में जलसा जो है वो करना चाहते हैं। हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो जलसा जो है वो करें वहाँ पे लियाकत बाग में कर लें, या इस्लामाबाद में दो जगह हैं, एक H9 वो जगह जो है ग्राउंड जो है, और दूसरा परेड ग्राउंड। ये दोनों जगह ऐसी हैं कि यहाँ पे जलसा करने या एहतजाज करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इजाज़त दी है, या उन चीज़ों को उनको मुख्तस किया है। तो वहाँ पे अगर ये दोनों जमातें जलसा करना चाहती हैं जलसा करें, एहतजाज करना चाहती हैं एहतजाज करें, लेकिन वो जो पैरामीटर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको साइन करना पड़ेगा, उनको अवे करना पड़ेगा, और उसके मुताबिक जो है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो है वो एक जमहूरी तौर पे जो एक जमहूरी माशरे की जमहूरी मुल्क की पहचान है उसके मुताबिक जो है वो TLP भी जलसा करे, PTI भी करे, और भी कोई करना चाहता है। लेकिन चौकों में रोड्स को बंद करना और लोगों को इनकन्वीनियंस देना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, हाई कोर्ट का भी हुक्म है, और गवर्नमेंट का भी रिजॉल्व है कि ऐसी किसी एक्टिविटी की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान नाहल होने जा रहे हैं। देखिए जी, तोशाखाना रेफरेंस में आप मुझे बताएं कि ना इसने टी शर्ट छोड़ा है, ना इसने वहाँ पे कुछ सोने का कलम था वो छोड़ा है, ना इसने वहाँ पे कोई और कोई चीज़ थी वो छोड़ी है। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो 2+2=4 है, 2+2=4 है कि इन्होंने वहाँ से घड़ियाँ उठाई, उनको जो है वो फरोख्त किया दुकान पे,
वहाँ से पैसे ले के 20% जो है वो जमा करवा दिए, 80% जो है वो अपनी जेब में डाल दिए। एक गैर कानूनी काम, एक गैर अखलाकी।